इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक आयोजन इसका दूसरा हिस्सा है। आर्गुमेंट्स इन द फेवर ऑफ प्लानिंग, आर्गुमेंट्स इन द फेवर ऑफ प्लानिंग, आयोजन के पक्ष में तर्क, यानी आयोजन के पक्ष में क्या तर्क है। जो लोग ऐसा कहते हैं कि आयोजित अर्थव्यवस्था अच्छी होती है, वो अपने अपने समर्थन में कुछ तर्क देते हैं। तो पहला जो तर्क है वो तर्क है अनियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं का नियंत्रण मूल्य यंत्र की अदृश्य शक्ति के द्वारा होता है, किसी केंद्रीय संगठन या अधिकारी द्वारा नहीं। यानी जो आयोजित अर्थव्यवस्था वाले हैं वो जो है गैर आयोजित अर्थव्यवस्था पर जो है ये आरोप लगा रहे हैं। अनियोजित अर्थव्यवस्था एक ऐसी मोटर कार है, उनका कहना है कि अनियोजित अर्थव्यवस्था एक ऐसी मोटर कार है जो बिना चालक के है। अनियोजित अर्थव्यवस्था एक ऐसी मोटर कार है जो बिना चालक के है, तथा जिसमें बैठे बहुत अधिक यात्री स्टीयरिंग व्हील पर पहुंचना चाहते हैं तथा उसे अपने ढंग से मोड़ देना चाहते हैं। ये इनका पहला तर्क है आयोजन के पक्ष में और अनियोजित व्यवस्था के खिलाफ में वो तर्क दे रहे हैं। दूसरी बात है, कोई भी बात जो व्यष्टि भावी स्तर पर सत्य सिद्ध हो, यानी व्यक्तिगत स्तर पर सत्य सिद्ध हो, समष्टि स्तर पर यानी सामाजिक स्तर पर भी सत्य हो, यह आवश्यक नहीं है। यानी जो व्यक्तिगत स्तर पर सत्य हो, जरूरी नहीं कि वो सामाजिक स्तर पर सत्य हो। यह संसार बहुत अधिक इस बात से नियंत्रित नहीं होता है कि व्यक्तिगत तथा सामाजिक हित दोनों एक होंगे। व्यक्तिगत हित तथा सामाजिक हित अलग अलग हैं। व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित अलग अलग हैं। व्यक्ति जो है स्वार्थी हो सकता है, जो व्यक्ति स्वार्थी हो सकता है वो समाज के लिए काम नहीं करेगा, लेकिन जो समाज के लिए काम करेगा वो व्यक्ति के लिए भी काम करेगा। तो व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित इसीलिए दोनों अलग अलग माने जाते हैं, अलग दोनों एक समान नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सामाजिक कल्याण की प्राप्ति के लिए अनियोजित रास्ते की अपेक्षा आयोजित रास्ता अधिक उचित होगा। अनियोजित रास्ते की अपेक्षा आयोजित रास्ता अधिक स्पष्ट होगा। सामाजिक कल्याण जो है अनियोजित रास्ते से नहीं होता है। जो अनियोजित व्यवस्था की बात करते हैं वो लोग स्वार्थी होते हैं, वो समाज के लिए काम नहीं करते हैं, सामाजिक कल्याण के लिए काम नहीं करते हैं। तीसरा है मूल्य यंत्र द्वारा आर्थिक क्रियाओं का संचालन अर्थव्यवस्था में साधनों के दोषपूर्ण विनियोजन को जन्म दे सकता है, क्योंकि विनियोजन सामाजिक कल्याण अथवा सामाजिक उपादेयता को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता है। ये जो अनियोजित व्यवस्था वाले होते हैं, व्यक्तिवादी होते हैं, पूंजीवादी होते हैं, वो सामाजिक कल्याण अथवा सामाजिक उपादेयता को ध्यान में रखकर नहीं योजना बनाते, बल्कि व्यक्तिगत हित को ध्यान में रखकर किया जाता है। यानी इसमें जो होता है, जो पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्तिगत हित को ध्यान में रखकर किया जाता है। क्रय शक्ति माने परचेजिंग पावर के अभाव में अधिकांश जनसंख्या द्वारा जो गरीब है मांगी गई वस्तुओं में विनियोजन कम होगा। गरीब जिस वस्तु को चाहते हैं उसमें विनियोजन नहीं होगा, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। ये पूंजीपति नहीं करते हैं, ये उसमें विनियोजन नहीं करते हैं। सामाजिक न्याय की दृष्टि से आयोजन जरूरी है। चौथा है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है। आर्थिक विकास क्या है? दीर्घकालीन प्रक्रिया है, ये लघुकालीन प्रक्रिया नहीं है, शॉर्ट टर्म प्रक्रिया नहीं है, जिसकी प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों तथा अवयवों का विस्तृत तथा क्रमबद्ध अध्ययन अनियोजित की अपेक्षा अधिक दूरदर्शितापूर्ण होती है। आयोजित अर्थव्यवस्था के कार्यक्रम तथा लक्ष्य विस्तृत दृष्टिकोण से निर्धारित किए जाते हैं। योजनाएं संपूर्ण अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं, किसी एक क्षेत्र या वर्ग को ध्यान में रखकर नहीं, स्वभाव से ही आयोजित अर्थव्यवस्था अनियोजित की अपेक्षा अधिक दूरदर्शितापूर्ण होती है। पांचवा है
मूल्य की स्थिरता के साथ, पांचवा है मूल्य की स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। मूल्य की स्थिरता के साथ आर्थिक विकास किसी देश के आर्थिक विकास की मूलभूत आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता है। पर अनियोजित अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी व्यापार चक्रों के बार बार दृष्टिगोचर होने की प्रवृत्ति है, और इसमें भी व्यापार चक्र का अवसाद यानी डिप्रेशन वाला चरण तो अत्यंत भयावह है। पर आयोजित अर्थव्यवस्था में इस प्रकार की स्थिति नहीं पाई जाती। इसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था को की मांग को ध्यान में रखकर उपलब्ध उत्पादन के साधनों के संदर्भ में योजना के कार्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं, तथा इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का भार भी आयोजन अधिकारियों पर होता है। 1930 की विश्व मंदी से सभी अनियोजित देश प्रभावित हुए, पर रूस की अर्थव्यवस्था के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वहाँ आयोजित अर्थव्यवस्था थी, प्लैंड इकोनॉमी थी, वहाँ समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी। पाश्चात्य देशों की आर्थिक स्वतंत्रता के ऊपर अब भी अवसाद का भय डेमोक्लीस की तलवार की तरह लटक रहा है, डेमोक्लीस की तलवार की तरह लटक रहा है। छठवां है व्यक्तिगत संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी, उत्तराधिकार का अधिकार तथा राइट ऑफ इनहेरिटेंस तथा मूल यंत्र का क्रियाशीलन, ये तीन आधारभूत संस्थाएं हैं, ये तीन आधारभूत संस्थाएं हैं जिनके ऊपर ही अनियोजित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का महल खड़ा है। इनके कारण इन अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक विषमताएं पाई जाती हैं जो सामाजिक न्याय की दृष्टि से उचित नहीं है। इन संस्थाओं के क्रियाशीलन के कारण धनी निरंतर अधिक धनी तथा गरीब अधिक गरीब होता जाता है, धनी निरंतर अधिक धनी तथा गरीब अधिक गरीब होता चला जाता है। अनियोजित अर्थव्यवस्था में, जो अनियोजित अर्थव्यवस्था होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, उसमें धनी जो है धनी होता जाता है और गरीब गरीब होता जाता है। सातवां है अनियोजित अर्थव्यवस्था में न केवल आर्थिक विषमता ही बढ़ती जाती है, बल्कि यह एक ऐसे जमींदार वर्ग को जन्म देती है जो दूसरों के ऊपर जीते हैं। इसने कुछ लोगों को धनी बना दिया है तथा बहुतों को गरीब बना दिया है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना काम किए हुए जीते हैं तथा अन्य ऐसे हैं जो बिना जीविका के ही काम करते हैं। इस प्रकार अनियोजित अर्थव्यवस्था में यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में गरीब वर्ग विशेष रूप से श्रमिकों का शोषण होता है, अनियोजित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में श्रमिकों का शोषण होता है। इट हैज लेड टू द इनरिचमेंट ऑफ फ्यू एंड इंपावरिशमेंट ऑफ मेनी, एंड नथिंग हैज अराउज्ड सो मच discontentment and unrest among the workers and peasants as the fact that there are some people who live without working and others who work without living। डाल्टन कहते हैं, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम उनकी एक पुस्तक है, उसमें ऐसा वो कहते हैं। आठवां पॉइंट है अनियोजित अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा दोष यह है कि साधनों का आदर्श स्तर तक उपयोग नहीं हो पाता है, फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में आर्थिक कल्याण अधिकतम स्तर को प्राप्त नहीं कर पाता है, अनियोजित अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक कल्याण अधिकतम स्तर को प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि अनियोजित आर्थिक प्रणाली यानी पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली एक अकुशल आर्थिक प्रणाली है। नाइन्थ है अनियोजित माने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो भी विकास होता है वह अव्यवस्थित ढंग से होता है। पर आयोजित अर्थव्यवस्था में संपूर्ण अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर विकास के लिए वरीयता का क्रम निर्धारित किया जाता है। फलस्वरूप सामाजिक कल्याण अधिकतम होगा।
तो भारत जैसे देश में प्लैंड इकोनॉमी की जरूरत है, क्योंकि यहाँ यहाँ पर एससी है, एसटी है, ओबीसी है, माइनॉरिटी है, अगड़े हैं, पिछड़े हैं, यहाँ पर शूद्र हैं, अतिशूद्र हैं, अंत्यज हैं यहाँ पर। तो ये जो तबका है, सारे सारे समाज का ध्यान कौन रखेगा? पूंजीवादी समाज में इनका कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, इसीलिए यहाँ पर समाजवादी समाजवादी समाज की जरूरत है, और जो प्लान्ड इकोनॉमी की जरूरत है, प्लान्ड इकोनॉमी की जरूरत है।